Hello students, in the previous lecture we did talk about the simple permanent tissue and in today's lecture we would be talking about the complex permanent tissue. ठीक है, so complex permanent tissue में आपको पता है कि there is xylem and phloem. ठीक है, and the reason we term them as simple as complex permanent tissue is because they are made up of different types of cells together and all of the cells are performing a same function. सेल्स अलग अलग है बट जो उनका फंक्शन है वो सेम है. व्हेन यू टॉक अबाउट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू उसमें क्या था कि सेल सब सेम थे और फंक्शन भी सेम था. यहाँ पे सेल अलग अलग है बट उनका फंक्शन क्या है, सेम है. ठीक है, सो ज़ाइलम की बात करते हैं. व्हाट डज ज़ाइलम डू? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये बात आपको याद रखनी है कि जो जाइलम नाम की ट्यूब है प्लांट के अंदर, जो ट्यूब लगी हुई है, जो टिश्यू है, उसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना वाटर को और मिनरल्स को. और फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट करना ऑफ फूड. ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का और मिनरल्स का हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट इज फ्रॉम द ग्राउंड टूवर्ड्स द लीफ. अगर दिस इज अ पर्टिकुलर ट्री तो जो ट्रांसपोर्ट है ज़ाइलम के अंदर पानी का, वो ट्रांसपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ होगा. सो वी कैन टर्म दिस ट्रांसपोर्ट एज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, फ्रॉम रूट्स टू दी लीव्स बोल सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, फ्रॉम सॉइल टू दी रूट्स टू द लीव्स भी बोल सकते हैं. अगर फ्लोएम की बात कर रहे हैं तो फ्लोएम क्या बना रहा है? फ्लोएम डील्स विद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. ठीक है, तो इस केस में जो ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कहां बनता है? लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, लीव्स खाना बनाते हैं, तो फूड का फॉर्मेशन होगा लीव्स में. तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लीव्स से होता है नीचे की तरफ. फ्रॉम द लीव्स टूवर्ड्स द बॉटम. ठीक है, दिस इज वन ट्रांसपोर्ट. बट प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स काफी स्मार्ट है, वो लोग अपना खाना स्टोर करके रखते हैं. प्लांट्स दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक पोटैटो है, जैसे कि आपने बीटरूट ले लिया, ऑनियन ले लिया, प्रीवियस लेक्चर में बात भी करी थी मैंने आपको. तो प्लांट्स क्या करते हैं, खाना स्टोर करते हैं. तो जो जैसे कि रूट में अगर खाना स्टोर कर रहा है तो कोई एडवर्स कंडीशन आती है जब प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में खाना डिलीवर किया जाएगा फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. ठीक है, ट्रांसपोर्ट दो तरीके से, फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, और दूसरे केस में एडवर्स कंडीशन में क्या है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. ठीक है, दिस इज नॉर्मली ओके एंड दिस इज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, नॉर्मली एंड ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन. ठीक है, तो यहां पे जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे यहां पे वी यूज द टर्म और अपन ने बोला कि जो पानी का फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट इज नीचे से ऊपर की तरफ. बट यहां पे आप देख रहे हो लीव से रूट्स की तरफ भी खाना ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है नॉर्मल कंडीशंस के टाइम पे, और एडवर्स कंडीशन में रूट से लीव्स की तरफ खाना ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. तो जो डायरेक्शन है यहां पे, द डायरेक्शन इज बाय डायरेक्शनल. कौन सी डायरेक्शन है? बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हो, बिकॉज फूड इज ट्रांसपोर्टेड बोथ द वेज. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. नाउ
जो डिफरेंट सेल्स है विच मेक अप जाइलम, डिफरेंट सेल्स विच मेक अप xylem tissue are known as xylem elements. क्या कहा जाता है उन्हें? They are termed as xylem elements. उसी तरीके से different cells which make up फ्लोएम टिश्यू आर नोन एज फ्लोएम एलिमेंट्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी. So different types of cells which make up xylem tissues are known as xylem elements, and different cells which make up phloem tissues are known as phloem elements. तो अगर नाम लिखते हैं phloem में कौन कौन से cells participate करेंगे, so we have sieve tube cells, sieve tube cells, then we have companion cells, then we have phloem fibers, and then we have the phloem parenchyma. Okay, what is the important thing to be noted is jo phloem hota hai, it's a living tissue, it is a लिविंग टिश्यू. एंड जाइलम जो है इट्स अ डेड टिश्यू. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम आर गोइंग टू बी डेड, व्हाइल मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम आर गोइंग टू बी लिविंग. तो यार सीव ट्यूब सेल्स है ये लिविंग है, कंपेनियन सेल्स है ये लिविंग है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये लिविंग है. एक ही टिश्यू, एक ही सेल जो उसका नॉन लिविंग है, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स क्या है? दे आर नॉन लिविंग. रेस्ट ऑल दी कंपोनेंट्स आर लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है, उसी तरीके से इफ आई टॉक अबाउट द जाइलम, तो जाइलम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? तो जाइलम के अंदर है ट्राकीड्स, वेसल्स, फिर जाइलम पेरेन्काइमा, and xylem fibers. And xylem fibers. ठीक है, तो यार मैंने लिखा इट्स अ डेड टिश्यू, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स क्या हो गए? डेड हो गए. तो यस, दिस इज डेड, दिस इज डेड टिश्यू, दिस इज डेड, ओनली वन इज लिविंग, दैट वन इज xylem पेरेन्काइमा. जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग टिश्यू है, बाकी के सब टिश्यू क्या है? डेड है. ठीक है, सो विल डिस्कस ईच ऑफ दिस टिश्यूज नाउ. So if I talk about the vessels,
एक काम करते हैं, इसके बारे में लिख लेते पहले, ट्रैकीज, ठीक है। सो ट्रैकीज की अगर बात करें तो ट्रैकीज क्या चीज है, दिस आर डेड लॉन्ग ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स विद टेपरिंग है। सो दिस आर डेड लॉन्ग ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स विथ टेपरिंग एंड्स, ठीक है। टेपरिंग एंड्स मतलब उसके एंड्स क्या हो गए, पॉइंटेड हो गए, एंड दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। अगर यहां पे दे हैव लिग्निन डिपोजिशन, जो जब भी मैं बोलूंगा इट्स अ डेड सेल, इट वुड हैव अ लिग्निन डिपोजिशन, तो यहां पे लिख देते अपन लिग्निन डिपोजिशंस देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लाइक दिस, आप देख सकते हो दे आर टेपरिंग पॉइंटेड एट द एंड्स एंड दे हैव लिग्निन डिपोजिशन, पूरा अंदर की तरफ क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन इज लिग्निन, ठीक है, ये पूरा लिग्निन है, और बीच में जो स्पेस दिख रही है दैट इज नोन एज ल्यूमिन, उसको क्या बोलेंगे, उसको ल्यूमिन बोलेंगे। These are dead cells. कौन से cells है, ये dead cells है, ठीक है, and they are connected with each other. They should be closely associated. पास में होने चाहिए, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, इस तरीके से क्या हो गए, एक दूसरे के साथ दे आर कनेक्टेड, ठीक है। सो कैन सी द कनेक्शन बिटवीन देम, तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट रहेगा वो वाटर का ट्रांसपोर्ट इस तरीके से होगा, इस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। सो दिस आर ट्रैकीज, क्या चीज दिख रही है, जो अंदर की स्पेस है दैट इज नोन एज ल्यूमिन, दैट इज नोन एज ल्यूमिन, और ये क्या है, दिस इज लिग्निन, और ये क्या है, टेपरिंग एंड्स, दिस आर द टेपरिंग एंड्स, ठीक है, सिंपल एंड इजी समझ में आ गया, बिकॉज इट्स अ डेड सेल। तो पानी का मूवमेंट आप देख रहे हो, तो पानी का मूवमेंट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। सो अनादर कंपोनेंट इज वेसल्स, अनादर कंपोनेंट्स आर वेसल्स, वेसल्स में भी लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, दिस आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स okay so what are vessels, vessels are long tube like structures, long tube like structures okay, how are they formed, so they are formed by a row of cells placed end to end, formed
by row of cells placed end to end. ठीक है, दिस आर ऑल्सो डेड सेल्स एंड हैव थिक वॉल डिपोजिशन. किसका डिपोजिशन होगा? लिग्निन का, ऑफ लिग्निन. ठीक है, और ये क्या करेंगे? दे ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये सेल किस तरीके से, सो लेट्स से दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब, दिस इज वन सेल, एंड टू एंड लिखा है ना अपन ने यहां पे, डेड सेल्स, रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड. सो मुझे एंड टू एंड दिखाना पड़ेगा सेल को एक दूसरे के साथ. ठीक है, और बाजू में भी देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ अनदर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, एकदम क्लोजली एसोसिएटेड है. ठीक है, अब इनमें भी देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. यहां पे भी लिग्निन का डिपोजिशन होगा. अगर ट्रैकीज के कंपैरिजन में बात करें तो लिग्निन का जो डिपोजिशन है यहां पे काफी ज्यादा डिपोजिशन है. डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज मोर इन दिस पार्ट और इन दिस vessels ठीक है, so black one is lignin, cells are dead, end to end connected होने चाहिए. ठीक है, और एक दूसरे के साथ इनके बीच में कनेक्शंस हो गए, दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद वन अनदर. ठीक है, और जो वॉल्स है यार, ये वॉल्स क्या हो चुकी है? डिग्रेड हो चुकी है. मतलब ये पूरा एक ट्यूब बन जाएगा, ये पूरी एक ट्यूब बन गई. सिंगल ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया यहां पे. सो एक तो ये कनेक्शन डेवलप हो गया दोनों सेल के बीच में. पानी ट्रांसपोर्ट होगा यहां से. ठीक है, सो दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब नाउ. अब पानी का जो मूवमेंट होगा, पानी का मूवमेंट किस तरीके से होगा? पानी का मूवमेंट इस तरीके से होगा. और साइडवेज मूवमेंट भी हो सकता है पानी का, क्योंकि यहां पे भी गैप्स तो अवेलेबल है. ठीक है, तो ये क्या बना? ये पूरा वेसल बन गया, ये पूरी ट्यूब बन गई है, जहां पर पानी का फ्लो इस तरीके से भी है और पानी का फ्लो इस तरीके से भी जाने वाला है. तो ये जो स्पेस है इसे क्या कहा जाता है? ल्यूमिन कहा जाता है. और ये वाली जो स्पेस है, दिस इज नोन एज पिट, इसे कहा जाती है पिट. दो सेल्स के बीच की जो स्पेस है उसे पिट कहा जाएगा. और जो पूरा ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है सेल्स के, सेल वॉल टूट जाने की वजह से
that is known as the lumen. ठीक है, so dead cells have thick wall deposition of lignin and helps in conduction of water. तो ये क्या करेंगे, water minerals का conduction इस तरीके से भी करेंगे और इस तरीके से भी करेंगे. ठीक है, simple and easy. Now xylem parenchyma की अगर बात करें, so xylem parenchyma are thin walled cells. They are only living cells of xylem with thin cell wall. Living cells. अभी तक जो भी मैंने सेल की बात करी उन सब की जो सेल वॉल थी थिन थिक थी. Because this is a living cell, इसकी जो सेल वॉल क्या होगी, the cell wall is going to be thin. And it stores food and it also helps in sideway conduction of water. It stores food and sideway conduction of water. ठीक है, अगर बनाना है इसको तो इस तरीके से दिखाते हैं, एकदम पतली सेल वॉल होनी चाहिए. ठीक है, तो आप देख सकते हो कंपैरेटिवली मैंने सेल वॉल काफी पतली दिखाई है. सो दिस आर व्हाट, दिस आर xylem parenchyma व्हिच इज अ लिविंग सेल. कोई भी लिविंग सेल होगा उसकी सेल वॉल क्या होगी, पतली होगी, और कोई भी डेड सेल होगा उसकी सेल वॉल थिक होगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. तो लिविंग सेल है, थिन सेल वॉल, और स्टोर करेगा फूड एंड साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगा. तो अगर यहां पे चीजों को लेबल करना है तो दिस कैन बी लेबल्ड एज न्यूक्लियस एंड दिस कैन बी लेबल्ड एज साइटोप्लाज्म. इससे आगे जो मैंने दो सेल्स बनाए उसमें न्यूक्लियस भी मैंने लेबल नहीं किया, साइटोप्लाज्म भी लेबल नहीं किया, बिकॉज दे आर डेड सेल्स. ठीक है, और आपको याद रखना है कि वो स्टार्टिंग से डेड नहीं थे, दे बिकम डेड आफ्टर द मैच्योरिटी. जो दो सेल्स मैंने बनाए, कौन से बनाए इससे पहले, वी डिड टॉक अबाउट द ट्रैकीज एंड वेसल. बिकम dead at maturity पे dead होते, starting से dead नहीं होते. ठीक है, clear है. so initially तो tracheids के cell भी living है, vessels के cell भी living है, they would become dead when they reach their maturity. इसको याद रखना आपको. ठीक है, so let's move ahead. अब कौन आएगा, xylem fiber. xylem fiber की अगर बात करते हैं तो xylem fibers are elongated dead cells. xylem fibers elongated dead cells. ठीक है, अब dead cell होगा तो cell wall क्या होगी, but obviously the cell wall are going to be thick. Thick cell wall. And one more चीज जो आपको observe होगी, that is tapering ends. What do we observe? We observe tapering ends. ठीक है, ठीक है. So ये क्या कर रहा है, this helps supports xylem in performing transport of water and minerals. ठीक है, support xylem in transport of water and minerals. cell बना लेते हैं, elongated. ठीक है, tapering ends. अब सेल वॉल बना लेते हैं, डेड
thick cell wall. ये क्या आ गया, पूरा लिग्निन आ गया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस इज, दिस जाइलम फाइबर, दिस इज दिस जाइलम फाइबर. तो इलोंगेटेड है, टेपरिंग एंड्स है, सेंटर में ल्यूमेन है, ल्यूमिनस खाली स्पेस, लिग्निन. ठीक है, सो अगर पूरा की पूरा जाइलम देखा जाए, आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड, अगर आपने जाइलम टिश्यू, जाइलम का व्हाट यू कॉल कट किया है और उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सो द सेक्शन वुड लुक लाइक आपको सेल्स दिखेंगे जिसकी सेल वॉल क्या होगी, द सेल वॉल थिक होगी. अगर थिक सेल वॉल है तो आप समझ जाओ कौन से सेल्स है, डेड सेल्स है. उसी के साथ कौन सा सेल अवेलेबल दिखाएंगे अपन, लेट्स सी, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. तो जो पैरेन्काइमा सेल्स होगी वो क्या होगी, उनकी तो वॉल काफी पतली है तो वो काफी इस तरीके से दिखेंगे. और क्या चीज अवेलेबल थी, जाइलम फाइबर्स देखेंगे तो जाइलम फाइबर्स की भी सेल वॉल क्या होगी, थिक होगी. तो यहां पे बनाते हैं जाइलम फाइबर्स, सेल वॉल्स दिखानी है, थिक दिखानी है. ठीक है, और यहां पे क्या दिखा देते हैं, गैप दिखा देते हैं. तो जब आप माइक्रोस्कोप में ये स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो सेल थिक दिख रहा है वो डेड सेल है. ठीक है, वो सेल क्या है, डेड सेल है. और वो क्या हो सकता है, इट कैन बी ट्रैकीर और इट कैन बी वेसल. बाकी का जो सेल है जिसकी वॉल क्या है, थिन है, वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू. दूसरा जो है जिसकी वॉल थिक है बट उसमें आपको पिट्स या फिर ल्यूमेन नहीं दिख रहा है, ओके, पिट्स, सॉरी पिट्स एब्सेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी जाइलम फाइबर्स. और जिसकी वॉल थिक है और आपको पिट्स भी ऑब्जर्व हो रही है, जिसकी वॉल्स थिक है और आपको पिट्स भी ऑब्जर्व हो रही है, दैट कैन बी वो ट्रैकीज हो सकते हैं या फिर वो वेसल्स हो सकते हैं. ठीक है, डन, सिंपल एंड इजी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जाइलम, डन, ओके. अब विल टॉक अबाउट द फ्लोएम. तो फ्लोएम का काम मैंने बता दिया, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेंगे खाना. और फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है. सो कंपोनेंट्स क्या है फ्लोएम के, सो द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स. फर्स्ट इज सीव ट्यूब. सीव ट्यूब्स का क्या काम है, सो दिस आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स. दिस आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स. ठीक है, उनकी वॉल्स क्या है, परफोरेटेड है एंड दे हैव अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म. दे हैव अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म. लिविंग सेल आपको याद रखना है, दिस आर लिविंग सेल्स, दिस आर लिविंग सेल्स. ठीक है,
Now how does it look like? So they would look like, इस तरीके से इसमें परफोरेशंस होते हैं सो दैट वाटर कैन पास थ्रू इट. ठीक है, डन. सो सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म. क्यों साइटोप्लाज्म की मैं यहां पे बात कर रहा हूं? क्योंकि दिस आर लिविंग सेल्स, दिस आर नॉट डेड सेल्स. ठीक है, सीव ट्यूब्स के साथ साथ आप दूसरा दूसरा नाम भी याद रख सकते हो, दैट इज सीव सेल्स. सीव सेल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट विथ जिम्नोस्पर्म. जो प्लांट कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म उसमें आपको सीव सेल्स देखने को मिलेंगे, और जो सीव ट्यूब्स है वो आपको प्लांट कैटेगरी जो है एंजियोस्पर्म उसमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, सो सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट विथ एंजियोस्पर्म एंड सीव सेल्स आर प्रेजेंट विथ जिम्नोस्पर्म. ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी. और ये जो दोनों सेल्स है, दिस सेल्स दे गेट इन्यूक्लिएटेड व्हेन दे मैच्योर. उनमें से न्यूक्लियस क्या हो जाता है? द न्यूक्लियस इज डिग्रेडेड. ठीक है, सो ऑन मैच्योरिटी दोनों में, ऑन मैच्योरिटी they lose nucleus, both of them, the sieve tubes and the sieve cells, both of them. इसलिए we term them as enucleated cells. We can term them as enucleated cells. कौन से? Sieve cells and sieve tubes जब mature हो गए they would lose the nucleus. Sieve tubes are found in angiosperm while sieve cells are going to be found in gymnosperm. ठीक है, अगर दोनों की मैं बात करूं तो इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी कम होगी कंपेयर टू दी सीव ट्यूब्स. दिस इज गोइंग टू बी बिट शॉर्टर कंपेयर टू दी सीव ट्यूब्स. ठीक है, नाउ द अनदर कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम इज कंपेनियन सेल्स. क्या नाम है? कंपेनियन सेल्स. They can also be termed as albuminous cell. They can also be termed as albuminous cell. काम क्या करेंगे companion cells? So they are small elongated cells having thin walls. Small elongated cells having thin walls, which are not perforated. इसमें perforations मतलब छोटे-छोटे pores देखने को नहीं मिलेंगे, which are not perforated. ठीक है, so companion cells or the albuminous cell are small elongated cells having thin walls which are not perforated. ठीक है, then comes the phloem fibers. अब phloem fibers क्या है? अपनी बात हुई थी they are going to be dead tissue. So dead tissue होगा तो cell क्या हो, cell wall क्या होगी? Thick होगी. तो लिख लेते हैं यहां पे they are dead tissue, dead cells, तो thick cell wall है. ठीक है, elongated structure with
टेपरिंग एंड्स, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर विद द टेपरिंग एंड्स. तो ये फ्लोएम फाइबर फ्लोएम में क्या काम कर रहा है, तो इट इज हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू टिश्यू. ठीक है, ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा टिश्यू को. डन. सो दिस आर फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर का जो स्ट्रक्चर आगे बनाया था वही स्ट्रक्चर यहां पे एप्लीकेबल है. मैं फिर से दिखा देता हूं इस तरीके से. टेपरिंग एंड्स और लिग्निन का डिपोजिशन दिखेगा काफी ज्यादा. दूसरा है, द लास्ट वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा. किस काम में आ रहा है फ्लोएम पैरेन्काइमा? लिविंग टिश्यू है, लिविंग सेल है. सो दिस आर लिविंग सेल्स. थिन सेल वॉल इज ऑब्जर्व्ड. दे हेल्प इन स्टोरेज. Storage of food and sideway conduction, lateral conduction of food. ठीक है, they help in storage as well as sideways conduction or the lateral conduction of food. So as a whole अगर phloem को देखा जाए तो phloem में एक ही cell ऐसा है जो dead है. So one of them is perforated cell wall वाला structure है. तो इस तरीके से आपको दिखेगा perforations. फिर अगर xylem fibers दिखा दे तो xylem fibers की तो cell wall क्या है, thick है. तो xylem parenchyma आ गया ये, जिसकी सेल वॉल्स क्या है, थिक होगी. थिक सेल वॉल्स, xylem फाइबर जो मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए. दूसरी चीज जो आपको दिखेगी दैट वॉज xylem phloem parenchyma. तो phloem parenchyma क्या है, थिन सेल वॉल स्टोरेज ऑफ फूड. तो अगर इसको भी दिखा दें यहां पे, सो देयर वुड बी विद अ थिन सेल वॉल. और उसी के साथ अगर दिखा दें कंपेनियन सेल्स को, तो कंपेनियन सेल्स यहीं पे दिखेगी इसके आसपास में. ये जो मैं रेड में दिखा रहा हूं ये कंपेनियन सेल्स है. ऐसा कंपेनियन सेल्स जो आपको दिखेंगे सीव ट्यूब्स के पास में. तो लेबल अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी फ्लोएम पैरेन्काइमा. थिन सेल वॉल स्ट्रक्चर है, खाना स्टोर कर रहा है. दिस इज गोइंग टू बी फ्लोएम फाइबर. दिस इज गोइंग टू बी वेसल्स. आई एम सॉरी, वेसल्स कहाँ है, ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स. दिस आर सीव ट्यूब्स. और क्या चीज है, ओके, एंड द रेड वंस आर गोइंग टू बी दी companions.
जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो सीव ट्यूब्स है वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, सीव ट्यूब्स आपको देखने को मिलेंगे एंजियोस्पर्म में, और सीव सेल्स देखने को मिलेंगे जिम्नोस्पर्म में. उसी तरीके से व्हेन यू टॉक अबाउट जाइलम, जाइलम में भी मैंने जो कंपोनेंट्स का नाम लिया, मैंने बोला वेसल्स एंड ट्रेकीज. वेसल्स एंड ट्रेकीज मैंने बोले, तो वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे एंजियोस्पर्म में. वेसल्स आर सीन इन एंजियोस्पर्म एंड ट्रेकीज आर सीन इन जिम्नोस्पर्म. ये दोनों साथ में देखने को नहीं मिलेंगे. आपको वेसल दिखेगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, विच आर द हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, और ट्रेकीज दिखेगा आपको जिम्नोस्पर्म में. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो इन द इन टुडेस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट वाज जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, और यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, दिस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन. डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन. ओके, जब आप सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या था, सेम सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, बट दिस इज डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो आज के लेक्चर में जाइलम खत्म कर दिया, फ्लोएम खत्म कर दिया. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एनिमल टिश्यू. ठीक है, आप जब भी इस वीडियो लेक्चर को देखते हो तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनानी है, अच्छे से वीडियो लेक्चर देखना है, नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप करना है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप मी व्हाट्सएप. ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द एनिमल टिश्यू. ओके, बाय बाय.